हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पवन प्रवाह की, और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवनें प्रवाहित हो रही हैं, और साथ में हमने देखा कि ये पवनें जो हैं वो किस प्रकार सागर तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, और इनकी वजह से कुछ विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार अलग अलग जलवायु का निर्माण हो रहा है। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे कि सागरीय समीर क्या होती है, और साथ में हम देखेंगे स्थलीय समीर कौन सी होती है, यानी सी ब्रिज कौन सी होती है और लैंड ब्रिज कौन सी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पर्वतीय समीर यानी माउंटेन ब्रिज और घाटी समीर यानी वैली ब्रिज जो है वो कैसे होती है, और इनका प्रभाव क्यों हो रहा है, और इनकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की जो ये चारों विंड्स हैं जिन्हें हम बात कर रहे हैं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज, ये चारों ही दोस्तों पवनों को बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पीरियोडिकल विंड्स यानी सामयिक पवने। तो सामयिक पवने इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि तो ये पवने जो है वो अलग अलग समय में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इन पवनों का जो क्रम है वो अलग अलग समय में बदलते हुए आता है, इसलिए इन्हें पीरियोडिकल विंड्स या सामयिक पवने कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे स्थलीय समीर से और जलीय समीर से, यानी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है हमारी ये पवने, सबसे पहले बात करें तो इनकी उत्पत्ति क्यों हुई है, कॉमन रीजन है इनकी उत्पत्ति का। ये पवने जो है दोस्तों वो ताप में विभेदन के कारण होती है। ठीक है, धरातल पर अलग अलग ताप जनित अवस्थाओं की वजह से इन पवनों की, इन समीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, स्थलीय भाग जो होते हैं उनका अलग स्वभाव होता है तापमान के प्रति या सूर्य की विकिरणों के प्रति, और जो जलीय भाग होते हैं उनका अलग स्वभाव होता है। तो स्थलीय भाग और जलीय भाग जो है इनके स्वभाव में, इनके तापीय स्वभाव में अलग अलग अंतर की वजह से कुछ जगह पर तो उच्च दाब होगा और कुछ जगह निम्न दाब की उत्पत्ति होती है। हमने पिछले वीडियो में अगर आप इंसुलेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जो जलीय भाग होते हैं वो जलीय भाग अपेक्षाकृत धीरे गर्म होते हैं। ठीक है, जबकि स्थलीय भाग तेजी से गर्म हो जाते हैं, और स्थलीय भाग तेजी से ठंडे भी हो जाते हैं। इसके क्यों होते हैं, इसके रीजन हमने डिटेल में पहले डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, फिर भी अगर हम देखें तो देखिए स्थलीय भाग जो होते हैं स्थलीय भागों को बहुत कम गहराई में सॉलिड विकिरणें प्रवेश कर पाती हैं, इसलिए बहुत कम मोटाई की सतह को ही सॉलिड विकिरण जो है वो गर्म करती है। तो जब कम भाग को गर्म करना होता है इस वजह से स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो जलीय भाग होते हैं, जलीय भागों में क्या होता है, जो सी होता है, सी में क्या होता है, एक बहुत विशाल राशि होती है जल की, और इतने बड़े क्षेत्र को आप सोचिए कि जब सौर्य विकिरण बहुत अंदर तक लगभग 200 मीटर तक सौर्य विकिरण जो है वो प्रवेश कर जाती है, तो इतनी मोटी जल की परत को गर्म करने के लिए सागरीय भागों को बहुत ज्यादा मात्रा में सौर विकिरण की आवश्यकता होती है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो जलीय भाग होते हैं हमारे, जो सी होता है या महासागर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जलधाराएं चलती हैं, ज्वार भाटा चलते हैं, सागरीय तरंगे चलती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो जल है उसकी मिक्सिंग होती रहती है, ठंडा जल गर्म जल में मिलता रहता है, गर्म जल ठंडे जल में मिलता रहता है। इसके अलावा जहां से गर्म जल हटा दिया जाता है वहां पर जो ठंडा जल है, जो निचले स्तरों में ठंडा जल है, वो अपवेलिंग करके ऊपर आ जाता है। इस वजह से क्या होगा, ऊष्मा जो है उसकी इतनी ज्यादा मिक्सिंग हो जाती है, ऊष्मा स्थानांतरण इतना अधिक हो जाता है कि पूरे महासागरीय भाग बहुत धीरे गर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जलीय भागों में या महासागर की अगर हम बात करें, सागर की बात करें, तो क्या होता है जलीय भागों में क्या होता है दोस्तों कि इनकी जो ज्यादातर ऊष्मा जो ये गेन करते हैं सॉलिड विकिरण से, इस ऊष्मा का ज्यादातर भाग जो है वो जलवाष्प के निर्माण में खर्च हो जाता है। जलवाष्प निर्माण क्यों होता है, क्योंकि तो यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्प निर्माण होता है, तो वाष्प निर्माण में ऊष्मा खर्च हो जाती है, इस वजह से ये भाग अधिक तापमान
ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से दोस्तों जलीय भाग धीरे गर्म होते हैं, स्थलीय भाग तेजी से गर्म होते हैं, और साथ में स्थलीय भाग सौरिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा कर पाते हैं, इस वजह से स्थल भाग ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं जबकि जलीय भाग भी धीमे गति से होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन कारणों से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलती है, ठीक है। यानी ये पीरियोडिकल विंड्स ऐसी हैं जो दैनिक रूप से, ठीक है, दैनिक रूप से अलग अलग समय में ताप जनित क्रियाओं की वजह से उत्पन्न हो रही हैं, और इन्हें बोला जाता है तापीय विभेदात्मक क्रिया के कारण उत्पन्न पवन समीर, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एक करके बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सी ब्रिज की। सी ब्रिज यानी सागरीय समीर, ठीक है। तो जबकि सागरीय समीर क्या होती है, अब सागरीय समीर की सबसे पहली कंडीशन उत्पत्ति क्यों हुई ये देखिए। तो हमने बात की जलीय भाग जो है वो धीरे गर्म होते हैं, स्थलीय भाग तेजी से गर्म होते हैं। तो क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में, क्या होगा नॉर्मल कंडीशन ये होगा कि सौरिक विकिरण जलीय भाग पर भी आ रही है और स्थलीय भाग पर ही आ रही है, मगर स्थलीय भाग जो है वो क्या हो गए हैं, अधिक गर्म हो गए हैं, ठीक है। तो अधिक जहां गर्म होगा, जहां पर अधिक गर्म होगी, जहां हाई टेम्परेचर होगा, वहां पर क्या क्रिएट होगा, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जब सॉरी विकिरण आई तो इससे यहाँ पर बहुत ज्यादा हीटिंग हुई, और हीटिंग की वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो आसपास की जो सतह जो है, इस सतह गर्म होने की वजह से इसके संपर्क में आने वाली वायु जो है वो भी गर्म हो गई, और गर्म होकर के वो ऊपर उठ गई, ठीक है। इसकी वजह से जब यहाँ पर वायु ही नहीं है तो वायुदाब कम हो गया है। मगर इसके रिवर्स में अगर हम बात करें तो महासागरीय भाग है, और महासागरीय भागों का तापमान जो है वो कम रहेगा, ठीक है, इसकी तुलना में महासागरीय भागों का तापमान कम रहेगा। साथ में यहाँ पर दोस्तों तापमान कम रहने की वजह से प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो जब ये हाई टेम्परेचर होगा और इधर लो प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो इसकी वजह से दोस्तों हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर पवने चलने लगेगी, ठीक है। तो सागरीय समीर जो है वो चलने लगेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी महासागरीय भाग से और स्थलीय भाग की ओर। तो सबसे पहले बात करें कि फिर कहां चल रही है, इस सागर से किधर चल रही है, स्थल की ओर चल रही है पहली बार, ठीक है। सागर से स्थल की ओर चल रही है क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, और हाई प्रेशर यहां है, लो प्रेशर यहां है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सागर से स्थल की ओर चल रही है, और किसके कारण चल रही है, दाब प्रवणता के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, दाब प्रवणता का विकास हो गया है, दाब ढाल का विकास हो गया है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और ये चलेगी कब, देखिए अब ये कंडीशन कब है, दिन के समय में। सोलर रेडिएशन कब होगा, दिन के समय में होगा, और सौरिक विकिरण का जो विभेदात्मक ऊष्मन में जो जिम्मेदार है वो दिन के समय ही आता है। तो ये पवने जो सागरीय समीर जो है वो किसके समय चलेंगी, दिन के समय चलेंगी, ठीक है दोस्तों। और दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलेंगे। अब ये पवने जो है वो दिन के समय कब चलेंगी इस पर बात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि देखिए जो तापमान होता है, जो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक सौरिक विकिरण मिल रहा होता है उसका टाइम होता है लगभग 12 बजे, ठीक है, क्योंकि 12 बजे सूर्य जो है वो ठीक सीधी सूर्य किरण डालता है, ठीक ऊपर होता है आसमान में, ठीक है, व्यक्ति के अपने सीधे ऊपर होता है आसमान में। तो सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन कब मिलती है, 12 बजे मिलती है। तो दोस्तों इनकी जो शुरुआत होती है, जो ये सागरीय समीर है, ये लगभग 10-11 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और 10-11 बजे से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि 10-11 बजे तक जो स्थलीय भाग है वो इतने गर्म हो चुके होते हैं कि वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है 10-11 बजे तक। सौरिक विकिरण आएगी तो
स्थले भाग को थोड़ा तो टाइम लगेगा गर्म होने में, तो ये 10-11 बजे लगभग प्रारंभ हो जाएंगी। और इनका जो मैक्सिमम होता है ये 2 बजे लगभग मैक्सिमम होता है, ठीक है, 2 बजे के लगभग अधिकतम प्रवाह सबसे ज्यादा 2 बजे के आसपास होती है। क्यों? कि 12 बजे जब सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है उसके बाद पृथ्वी को अधिकतम गर्म होने में 2 बजे तक का टाइम लगता है। और हमने ये भी देखा है कि पृथ्वी जो है उस पर सबसे अधिक दैनिक तापमान अगर देखा जाए तो वो 2 बजे अधिकतम तापमान होता है। तो 2 बजे के आसपास ये सबसे तेजी से प्रवाहित होती है, क्योंकि उस समय जो स्थलीय भाग है उस पर बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, बहुत निम्न दाब जो है वो हो चुका होता है, इसके वजह से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर 2 बजे सबसे तेजी से प्रवाहित होती है। इसके बाद क्या होगा, ये लगभग 8 बजे तक आते आते दोस्तों 8 बजे तक प्रवाहित होती है, ठीक है, यानी कि 2 से और 8 बजे के बीच का जो समय है इसमें ये धीरे धीरे वापस डाउन होने लगती है, ठीक है। ऐसा क्यों होने लगता है, क्योंकि तो जो हाई प्रेशर जो हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सौरिक विकिरण से हो रहा है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो 2 बजे बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, तिरछी होने लगती है, सूर्य जो है वो क्षितिज की तरफ जाने लगता है, और क्षितिज की तरफ जाएगा तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ने लगती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, और तिरछी किरणों से तापमान उष्मन जो है वो कम प्राप्त होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होने लगती है सांझ होने लगती है तो सौरिक विकिरण कम होने लगती है, और इस सौरिक विकिरण से कम होने से अब यहाँ पर स्थलीय भागों पर ताप तो कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, सूर्य तक तो कम मिल रहा है, और पार्थिव विकिरण अधिक मिल रहा है, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अधिक हो रहा है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो ये स्थलीय भाग है, ठीक है दोस्तों, ये स्थलीय भाग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सागर की तुलना में अधिक करते हैं, इसलिए ये स्थलीय भाग तेजी से ठंडे होने लगते हैं, और जब ये ठंडे होंगे तो इनका जो निम्न दाब बना था वो निम्न दाब, क्योंकि ताप जनित निम्न दाब है, तो ये निम्न दाब वापस उच्च दाब की ओर परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो दाब प्रवणता है 8 बजे तक आते आते जो दाब प्रवणता है वो समाप्त हो जाती है, दाब प्रवणता जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन रहा था, यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर बन रहा था, अब ये इक्वल के आसपास आने लगता है 8 बजे तक आते आते, क्यों, क्योंकि स्थलीय भाग अब ज्यादा पार्थिव विकिरण करके ठंडे हो चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। इसके बाद देखिए 8 बजे तक ये आगी, 8 बजे के बाद जो है वो क्रम उलट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो लैंड ब्रिज चलने लगेगी, यानी स्थलीय संगीत चलने लगेगी, इन पर अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। अब इसकी और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं सागरीय समीर, हमने समय देख लिया कहाँ चलेगी ये देख लिया, इसके अलावा देखिए दोस्तों तो इसका अगर बात करें तो ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें ये ज्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जबकि शीतोष्ण और जो शीत क्षेत्र है शीत कटिबंध जो है उसमें ये कमजोर होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण समझिए, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं यानी जो 30 डिग्री विश्व से 30 डिग्री के आसपास तक का जो क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिकतम रहती है, वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो लगभग सीधी पड़ती रहती है, क्योंकि सूर्य मैक्सिमम उत्तरायण जाएगा तो कहाँ तक जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, दक्षिण में जाएगा तो सबसे अधिकतम कहाँ तक जाएगा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, यानी इस क्षेत्र में सूर्य जो है उसकी वार्षिक गति भी सबसे अधिक होती है और वार्षिक तापमान भी सबसे अधिक मिलता है। जब तापमान सबसे अधिक मिलेगा तो स्थलीय भाग बहुत ज्यादा गर्म होते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से स्थलीय भागों पर लो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता रहता है, यानी कि इन भागों में क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है इनमें स्थल और जल का जो है वो ताप डिफरेंस अधिक होता है, ठीक है, क्या होता है यहां पर ताप विभेद अधिक होता है,
जब ताप विभेद अधिक होगा, ठीक है, तो इस ताप विभेद अधिक होने की वजह से ये कोने ज्यादा प्रबल रूप से चलेंगे। पहला काम, तापमान जितना विभेद होगा ताप में भी विभेद उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, इस वजह से ज्यादा मजबूती से चलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की हम बात करें तो इन क्षेत्रों में जो सनातनी कोने चल रही है, जो परमानेंट विंड्स चल रही हैं, जो प्रिवेलिंग विंड्स चल रही हैं, ये क्या होता है यहाँ पर जो सनातनी कोने हैं, सनातनी या जो प्रचलित कोने चल रही हैं, कौन सी कोने चल रही हैं यहाँ पर, यहाँ पर व्यापारिक कोने चल रही हैं, ये प्रचलित जो कोने हैं ये कमजोर होती है, ठीक है, यहाँ पर कमजोर चलती है ये कोने, और एक कमजोर होने की वजह से ये क्या करती है, इस जो सागरीय समीर जा रही है इसके मार्ग में अवरोध नहीं करती, इसलिए इनके मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न होता। जब इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता तो ये ज्यादा मजबूती से चलती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो सागरीय भाग हैं, उन सागरीय भागों और स्थलीय भागों के तापमान और दाब में डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय, इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में पहली बात तो सूर्य ताप जो है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सूर्य ताप की मात्रा ही कम पहुंचती है। दूसरा, यहाँ पर जो प्रिवेलिंग विंड्स है वो ज्यादा मजबूत होती है, जो इनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करती है, इसकी वजह से भी ये पौने जो है यहाँ पर जो समीर है, सागरीय समीर और स्थलीय समीर, ये कमजोर होती है, ठीक है दोस्तों। अब ये हमने बात कर ली सागरीय समीर के स्वभाव की, अब हम बात करें इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है, ये कोने जो है वो प्रभावित क्या कर रही है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इन कोनों का, इस पर बात करते हैं हम, ये कोने महत्व क्या रखते हैं। देखिए ये क्योंकि सागरीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चल रही है, और हम बात करें स्थलीय भाग क्या है, अधिक गर्म है, तो जब ये सागर से स्थल की ओर चलती है तो क्योंकि ये ठंडी कोने होती है, ठीक है, कैसी कोने होती है, ठंडी कोने। अब यहाँ पर जब हाई प्रेशर से ये ठंडी कोने चल रही है तो ये ठंडी कोने अपने साथ क्या लाती है, आर्द्रता भी लाती है। आर्द्रता क्या लाती है, सागरीय भागों से आ रही है तो सागरीय भागों पर जल वाष्प अधिक है, जब जल वाष्प अधिक है तो यहाँ से अपने साथ क्या लाती है, ये ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को लेकर भी आती है, जल वाष्प लेकर आती है। इस वजह से जहाँ हाई टेम्परेचर हो रखा है स्थलीय भागों में, जब ये यहाँ पहुंचती है तो ये क्या करती है, स्थल का तापमान जो है वो गिरावट आती है, स्थल भाग जो है इसके तापमान में गिरावट आती है, किसके में, स्थल में भी कौन सा, तटीय भाग, ठीक है, यानी जब ये तटीय क्षेत्रों पर पहुंचती है, महासागर के जो तटीय क्षेत्रों पर पहुंचती है तो तटीय क्षेत्र के तापमान में गिरावट आती है, और ये लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में गिरावट आ जाती है, और यहाँ पर पहुंच करके ये कोने दोस्तों क्या है, यहाँ पर पहुंचने के बाद ये कोने जो है वो जो पवन, यहाँ से जो वायु राशि स्थलीय भागों से जो वायु राशि ऊपर उठ रही है, इस वायु राशि के साथ साथ क्या करती है, ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है, ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद ये क्या होगी, जब ये ऊपर पहुंचेगी तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस वजह से बादल भी होते हैं, बादल के साथ साथ तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म होता है, और तटीय क्षेत्रों में वर्षण भी होता है, मगर इनका मेन यूज जो है वो ये है कि तटीय क्षेत्रों का तापमान गिरा देती है, इसे बोला जाता है सागर का समकारी प्रभाव, क्या बोला जाता है, सागर का समकारी प्रभाव, इसकी वजह से क्या है, तापमान गिरता है, इसे महासागरीय प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है, तो महासागरीय प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों का जो है वो तापमान गिर जाता है दिन के समय में, यानी उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा था अब वो तटीय भागों में कम होने लगेगा। इसके बाद ये कोने यहाँ से जो है गर्म वायु राशि जो स्थलीय भागों से ऊपर उठ रही थी, क्योंकि स्थल भाग गर्म थे, उस वायु राशि के साथ गिरती हैं, ऊपर उठती हैं, और उसके बाद दोस्तों ऊपर उठने के बाद क्या हो जाएंगी, ऊपर पहुंच के यहाँ पे आके कैसे हो जाएंगी, ठंडी होने लगेंगी, और फिर ये नीचे अवतलित होती हैं, और
और महासागरीय भागों पर जो ऑलरेडी हाई प्रेशर बन रहा है वहां पर अवतरित होती हुई ये पवनें भारी पवनें होती हैं और वायु दाब को और अधिक बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब जब वायु दाब और ज्यादा बढ़ेगा तो ये और अधिक तीव्रता से चले रहेगी, इस तरह पूरे एक सर्कल में चलती रहती है, पूरी कोशिका एक पूरी शैल का निर्माण होता है। ठंडी पवन जाएगी, यहाँ गर्म वायु के संपर्क में आएगी, यहाँ पहुंचने के बाद ये ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के प्लेट ये प्रसरित होकर के वापस महासागरीय भागों की तरफ नीचे बैठने लगती है, नीचे अवकलित होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से इसका जो तापमान है उसका महासागर का संकारी प्रभाव में देखने को मिलता है। और ये जो है वो अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बात करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये इतनी प्रबल होती है, प्रबल तो होती है कि ये लगभग 50 से और 70 किलोमीटर तक स्थल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और साथ में स्थल में प्रवेश करने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कई बार इतनी अधिक तेजी से होती है कि इनकी वजह से तूफान और चक्रवाती दशाएं बन जाती है, थंडरस्टॉर्म्स की सिचुएशन बनती है। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म की सिचुएशन का बनती है तटीय क्षेत्रों में, यानी दोस्तों जो सागरीय समुद्र है अगर इसका इंपॉर्टेंस देखें तो ये तटीय क्षेत्रों में क्या करेंगी, तटीय क्षेत्रों को रहने लायक बनाती है। यानी ये जो कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया जो है लिवेबल बन जाते हैं, रहने लायक बनते हैं। पहली बात तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्या होगी, वायवीय दशाएं जो है वो अच्छी हो जाती हैं, और विशेष तक किसके लिए, तटीय क्षेत्रों के लिए, जो उष्ण कटिबंधीय तटीय क्षेत्र है उनके लिए तो ये वरदान है। उष्ण कटिबंधीय जो तटीय क्षेत्र है उनके लिए क्या है, वरदान है। इसकी वजह से क्या होगा, दिन का तापमान जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है वो कोस्टल एरियाज में कम होने की वजह से, दिन का तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर रहने लायक स्थिति बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्रभाव है कि ये सागर का समकालीन प्रभाव जो है वो लेके आती है सागरीय समीप। ठीक है, और कैसे चल रही है, दिन के समय चल रही है, तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई सागरीय समीप। इसके बाद हम बात करेंगे कि लैंड ब्रीज क्या होती है। ठीक है, लैंड ब्रीज क्या करती है, देखिए अब हमने बात की थी कि 8 बजे तक लगभग सागरीय समीर जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि 8 बजे तक पृथ्वी जो है उसका पार्थिव विकिरण इतना होता रहेगा कि यहाँ पर जो है प्रेशर ग्रेडियंट जो बन रहा था वो एक लेवल में आ जाएगा, यानी दोनों तरफ लगभग इक्वल दाब हो जाएगा, तो कोई भी पवन नहीं चल रही होगी। मगर जैसे जैसे समय नाइट का समय आता है दोस्तों, तो स्थलीय समीर जो है वो प्रभावी होने लगती है, स्थलीय समीर यानी लैंड ब्रिज चलने लगती है। अब ये लैंड ब्रिज क्यों चलती है, देखिए ये स्टार्ट होती है लगभग 10 बजे, ठीक है, रात्रि में, ठीक है, लगभग 10 बजे से ये प्रारंभ हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि अब लैंड जो है उस पर सौरिक विकिरण तो आ नहीं रहा है, और सौरिक विकिरण नहीं आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, अब पार्थिव विकिरण अधिक होगा, और पार्थिव विकिरण जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसकी वजह से जो हीट है वो हीट कहाँ चली जाएगी, पार्थिव विकिरण के साथ साथ अंतरिक्ष की तरफ चली जाएगी, और पृथ्वी क्या होने लगेगी, ठंडी, धरातल ठंडा होने लगेगा, स्थलीय भाग ठंडे होने लगेंगे, जबकि जो जलीय भाग है इन जलीय भागों पर अभी भी तापमान स्थलीय भागों की तुलना में अधिक रहेगा, क्योंकि जलीय भाग देरी से ठंडे होते हैं, तो जलीय भाग का क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। अब जब टेम्परेचर अधिक तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, जबकि स्थलीय भाग का क्या हो जाएगा, अब टेम्परेचर डाउन आ जाएगा पार्थिव विकिरण की वजह से, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो अब जो पवन जो है, समीर जो प्रवाह हो रहा है, ये ब्रिज का पूरा क्रम ही उलट जाएगा। ठीक है, इसलिए पीरियोडिकल विंड कह रहे हैं, अब पूरा का पूरा उलट गया है, उलट क्या गया है कि अब दोस्तों यहाँ पर हो गया है लैंड पर हाई प्रेशर और स्थल पे और जल पे क्या हो गया है, लो प्रेशर। तो इसकी वजह से अब ये कौन से भाग हो गए हैं, अब ये ठंडे भाग हो गए, स्थल कैसा है, ठंडा, और ये महासागरीय भाग कैसे हो गए हैं,
गर्म, और इस वजह से अब ठंडी एयर जो है, कूल एयर जो है वो रात्रि के समय में 10 बजे रात्रि से लगभग स्टार्ट होती है, और रात्रि के समय में ये कहाँ चलेगी, ये चलेगी स्थल से सागर की ओर। ठीक है, वो स्थल से सागर की ओर चलेगी। अब ये जो पवनें हैं जो स्थल से सागर की ओर चल रही हैं, इनका भी अपना कुछ इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो वही इंपॉर्टेंस होगा कि ये तटीय क्षेत्रों का क्या करेंगी, तटीय क्षेत्रों का तापमान जो है वो समकारी कर देगी। सामान्य बनाए रखती है, ठीक है। अब जो पवने जो यहां से आ रही हैं, जो स्थलीय भाग से आ रही हैं, ये पवने दोस्तों शुष्क होती हैं, और जो शुष्क पवने होती हैं ये क्या करेंगी, जो सागर तटीय क्षेत्रों पर आएंगी तो तटीय क्षेत्रों पर आर्द्रता अधिक है, जलवाष्प की मात्रा अधिक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ह्यूमिडिटी हो रही होगी उस ह्यूमिडिटी को ये शुष्क पवने कम कर देगी, और इसकी वजह से तटीय क्षेत्रों का जो स्थिति रात्रि में भी जो है वो अच्छी रहने लायक स्थिति बन जाती है। तो इस तरीके से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों तटीय क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर दोस्तों ये जो स्थलीय समीर जो है, ये जो समीर है ये क्या होती है, जो सी ब्रिज है उसकी तुलना में, सी ब्रिज की तुलना में ये कमजोर होती है, इसलिए ये महासागर में बहुत कम दूरी तक ही जाती है, महासागर में कम दूरी तक प्रवेश कर पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पर देखिए स्थलीय भाग जो थे वो स्थलीय भाग जो है वो इतना ज्यादा अचानक ठंडे नहीं हो पाते जितना गर्म हो रहे थे, और ये जो सागरीय भाग है ये भी कुछ मात्रा में ठंडे हो चुके होंगे, इसलिए इनका जो प्रेशर ग्रेडियंट रात्रि के समय में जो दाब प्रवणता हो रही है, जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है वो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो दिन की तुलना में कम होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो दिन की तुलना में कम होता है, यानी कि दिन में जो जलीय भागों पर जो हाई प्रेशर बन रहा था उतना तीव्र हाई प्रेशर स्थलीय भागों पर नहीं बन पाता, और जितना तीव्र लो प्रेशर बन रहा था स्थलीय भागों पर दिन के समय में उतना तीव्र लो प्रेशर जो है वो महासागरीय भागों पर नहीं बन पाता, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट इतना तेज नहीं होता कि इसकी वजह से लैंड ब्रिज जो है वो ज्यादा तीव्र नहीं चलती है और महासागरों में ही कुछ दूर तक ही चल पाती है। ठीक है, और इनकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा वर्षण वगैरह की क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है इसका दोस्तों तटीय क्षेत्रों पर अधिक महत्व है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु और यहाँ का जो मौसम है वो इनसे रेगुलर प्रभावित होता रहता है, साथ में इनका कुछ इकोनॉमिकल भी यूज होता है। जैसे यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर जो मछुआरे होते हैं तटीय क्षेत्रों में, जो कि महासागरों में सागरीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह जो स्थलीय समीर चल रही होती है, मॉर्निंग के समय तो चल ही रही होती है, तो सुबह सुबह के समय जब स्थलीय समीर चल रही होती है तो उसका साथ देके महासागरों की ओर चले जाते हैं, तो स्थलीय समीर किधर चल रही होती है, स्थल से और महासागर की ओर, तो महासागर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, और शाम के समय में क्योंकि 8 बजे तक तो सागरीय समीर चल रही है, तो शाम के समय में क्या करते हैं, सागरीय समीरों का रास्ता को फॉलो करते हुए आसानी से क्या करती है, स्थल की ओर आ जाते हैं जो मछुआरे लोग होते हैं वो, क्योंकि ये पवने जो है ये पवने ऐसे तीव्र गति से चलती हैं कि मछुआरों की नावों को जो है वो एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे इनकी गति जो है वो अच्छी पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तटीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अब हम जो पढ़ते हैं कि सागर का समकारी प्रभाव, वो बहुत जगह जलवायु विज्ञान के अंदर आप पढ़ते हैं, वो यही है कि ये स्थल के जिन क्षेत्रों तक प्रवेश कर पाती है वहां पर महासागर की आर्द्रता को लाती है सागरीय समीर, और इसकी वजह से वहां पर तापमान में कमी आती है, यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं इन तटीय क्षेत्रों का जो दैनिक तापमान है वो कम होता है इन पवनों की वजह से। ठीक है,
ये पीरियोडिकल विंड जो हमारी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है इनकी वजह से तटीय क्षेत्रों का दैनिक तापांतर कम होता है। इसलिए आप देखेंगे कि आप चाहे वहां दिन के समय में रुके चाहे रात्रि के समय में रुके, वहां ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि दिन में जब गर्मी होने वाली होती है तब ये सी ब्रिज चलने लगती है और रात्रि में जब सर्दी पड़ने वाली होती है तब ये लैंड ब्रिज सुस्त तौर पर चलने लगती है। ठीक है, इसी वजह से वहां पर बहुत समकारी टेम्परेचर रहता है, एक टेम्परेचर हमेशा जो है रात्रि का और दिन का बहुत कम अंतर बन पाता है। ठीक है दोस्तों, ये तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समकारी प्रभाव ला रही है। अब इसके बाद हम हमारी दूसरी पीरियोडिकल विंड्स की बात करते हैं। दूसरी पीरियोडिकल विंड्स है हमारी घाटी समीर और पर्वत समीर, यानी वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। ये पवने भी दोस्तों पीरियोडिकली चल रही है, दिन के समय में चल रही है और रात्रि के समय में दूसरी पवने चल रही है। दिन के समय में जो चल रही है हमारे वो चल रही है यहाँ पर वैली ब्रिज और रात्रि के समय में चल रही है माउंटेन ब्रिज। ठीक है दोस्तों, अब इन पवनों के चलने का कारण भी क्या है? इनके चलने का कारण भी वही है मैंने सबसे पहले डिस्कस किया वीडियो में। ये दोनों पवने भी क्या करती है? विभेदात्मक रूप से ऊष्मन के कारण यानी डिफरेंशियल हीटिंग के कारण हो रही है, मगर यहाँ स्थल और जल का चक्कर नहीं है, यहाँ पर कोई लैंड और सी का चक्कर नहीं है, यहाँ चक्कर है हाइट का। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र जो है उनके ऊंचाई पर यानी पर्वतीय ढालों पे अगर होते हुए तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, और घाटी में सूर्य की किरणें जो है वो कम पहुंच पाती है, क्योंकि घाटी में इन ढालों का एक तरीके से छाया क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती है। यानी डिफरेंशियल हीटिंग अगर हम देखें तो दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में जो पर्वतीय ढाल जो है जो स्लोप है वो स्लोप ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि जो घाटी है वो कम गर्म होती है। ठीक है, इस वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घाटी समीर की, यानी हमारी वैली ब्रिज की बात करते हैं। वैली ब्रिज में क्या होगा दोस्तों कि दिन के समय में अब जो पर्वतीय ढाल है, ये जो पर्वतीय ढाल है इस पर्वतीय ढाल पर हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन बहुत अधिक आएगी और सोलर रेडिएशन अधिक आने से यहाँ पर ज्यादा हीटिंग मिलेगी, तो यहाँ हाई टेम्परेचर होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जो वायु राशि होगी वो वायु राशि यहाँ पर स्थल के संपर्क में आने से ऊपर उठ जाएगी और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में क्या होगा, घाटी में तापमान कम रहेगा, यहाँ पर सोलर रेडिएशन कम आके पहुंचेगा, तो इस वजह से लो टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, उच्च दाब होगा। तो दिन के समय में क्या होगा, घाटी समीर कब चलेगी, दिन के समय। तो दिन के समय में क्या होगा दोस्तों, दिन के समय में यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ग्रेडियंट, एक दाब प्रवणता विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से घाटी से लेकर के और पर्वत की चोटी की ओर, घाटी से पर्वत की चोटी की ओर ढाल के साथ साथ वायु राशि ऊपर उठने लगती है। ठीक है, वायु राशि ऊपर बढ़ने लगती है, तो दिन के समय चलेगी किधर चलेगी, घाटी से शिखर की ओर, और किधर चलेगी, ढाल के साथ साथ पर्वतीय ढाल जो है उसके साथ चलेगी। ठीक है, तो पर्वतीय ढाल के साथ ये ऊपर बढ़ने लगेगी। अब ये पवन जो है जो जब पहुंचेगी पहाड़ी के ऊपरी भाग पर पहुंचेगी, पहाड़ के ऊपरी भाग में पहुंचेगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक गर्म पवन है और ये गर्म पवन जो ऊपर आ रही है तो यहाँ पर भी वायु राशि गर्म है, इसके साथ साथ ये ऊपर उठने लगेगी, यानी यहाँ पर एक तरीके से कन्वेक्शन वेव चलने लगेंगी, संवहनीय तरंगे चलने लगेंगी, और कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है, तो ये सारी वायु ऊपर उठेगी और दोस्तों ऊपर उठ करके ये जो घाटी से जो पवन आती है ये अपनी आर्द्रता लेके आती है, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये जो ऊपर उठेगी तो ऊपर उठ के ठंडी होती है और ठंडी होकर के इसका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और इसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों पर वर्षण होता है, पर्वत के उच्च ढालों का, ऊपरी जो ढाल है। ठीक है, वहां पर जब ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी कि ठंडी हो जाएंगी, तो ये वहां पर ऊंचाई पर पहुंच करके और इनमें वर्षण होता है, और वर्षण की वजह से यहाँ पर हमें जल राशि प्राप्त होती है ऊपरी ढालों पर। इसके बाद ये वायु जो ऊपर बढ़ रही है, ये वायु
ऊपर पहुंचते पहुंचते ठंडी हो गई है और ठंडी होकर के ये दोनों तरफ की जो वायु है वापस ठंडी वायु घाटी की ओर नीचे अवतलित होने लगती है, नीचे की ओर बैठने लगती है। ठीक है, कूल एयर नीचे बैठती है और वार्म एयर ऊपर उठती है। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं घाटी समीर। अब इस घाटी समीर से क्या हो रहा है, इस घाटी समीर से पर्वतीय ढालों पर वर्षा प्राप्त हो रही है। ठीक है, यूज क्या है इसका कि पर्वतीय ढाल जो है इन पर वर्षण प्राप्त हो रहा है घाटी समीर की वजह से। ठीक है, तो वर्षण प्राप्ति हो रही है। दूसरा क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये पूरी जो पूरा जो सिस्टम बनता है, ये सिस्टम जो है वो हमें घाटी के और पर्वतीय क्षेत्रों के जो है वो जीवन को भी प्रभावित करता है। क्योंकि यहाँ पर जब वर्षण होगा तो जो ढालों से जो वर्षण हो रहा है तो ढालों पे जो खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है, ढलुआ क्षेत्रों पर जो सुविधा खेती होती है, यहाँ पर जो ढालों पर बागान वगैरह होते हैं, इनको भी ये जल प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, मगर अब ये तो है दिन का समय। ठीक है, दिन के समय में ये स्थिति बन रही है जब घाटी समीर चल रही है। अब रात्रि होते होते दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय समीर चलने लगती है, यानी माउंटेन ब्रिज चलने लगती है, पर्वतीय समीर की स्थिति उत्पन्न होती है। अब पर्वतीय समीर कैसे बन रही है ये देखिए। अब रात्रि के समय आते आते सौरिक विकिरण सोलर रेडिएशन आना बंद हो गया है। सोलर रेडिएशन नहीं आ रहा है तो ये जो पर्वतीय भाग जो कि पहले बहुत अधिक गर्म थे, तो जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करेगा। ये तो नियम है, जितना ज्यादा गर्म वस्तु होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। जब ऊष्मा का उत्सर्जन ज्यादा करना है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा कहाँ होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा ढालों पर यानी पर्वतीय भाग पर। जबकि जो घाटी है इस घाटी ने तो ऊष्मा ही कम प्राप्त की थी, इसकी वजह से इसका पार्थिव विकिरण यहाँ पर कम होता है, यानी यहाँ से जो गर्म वायु राशि है वो कम उठती है और यहाँ से अधिक उठ जाती है। ठीक है, यहाँ पर अधिक उठ जाती है, इस वजह से ये स्थले भाग रात्रि आते आते दोस्तों ठंडे होने लगते हैं और यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र पर क्या डेवलप हो जाता है, लो टेम्परेचर। ठीक है, जब लो टेम्परेचर होता है तो रात्रि के समय में यहाँ पर और क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, उच्च दाब बन जाएगा। और इसके रिवर्स में अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में तुलनात्मक रूप से, ठीक है, कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर होगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो कैसा रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर कंपैरेटिवली यहाँ क्या आएगा, लो प्रेशर रहेगा। इस वजह से दोस्तों रात्रि के समय में मतलब नाइट को, रात्रि के समय में पर्वतीय ढालों से, पर्वतीय ढाल से यानी पर्वतीय ढाल के साथ कहां से, शिखर से, शिखर से या उच्च ढालों से कह सकते हैं, शिखर से पर्वतीय ढाल के साथ घाटी की ओर पौने चलने लगती है, घाटी की ओर ये समीर ये ब्रिज चलने लगती है, तो ये अवतलित होते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, अब ये पौने कैसी है, जब नीचे हम आएंगे तो ये कैसी है, ठंडी है, ठंडी है ये वायु, ऊपर से जो आ रही है ये क्या है, ठंडी है, क्योंकि ये ठंडा हो गया है, हाई प्रेशर यहाँ पे है। जब ठंडी वायु राशि नीचे आती है दोस्तों तो ये यहाँ आकर के ठंडी वायु राशि जमा हो जाती है घाटी पर। ठीक है, घाटी में ठंडी वायु राशि जमा हो गई है। अब जो घाटी की जो गर्म वायु थी, जो घाटी की गर्म वायु थी वो तो क्या है, यहाँ जब गर्म वायु रहेगी तो उसको ये क्या करेगी, धक्का लगाएगी। ठीक है, तो पर्वतीय ढाल के साथ नीचे घाटी पर उतरेगी तो दोस्तों क्या होगा कि जो गर्म वायु होती है वो कैसी होती है, गर्म वायु हल्की होती है। ठीक है, और हल्की क्यों होती है, क्योंकि उसका प्रसार होता है, वो फैलती है, तो गर्म वायु राशि हल्की होती है। और ये जो ठंडी वायु राशि आ रही है, जो ढाल के साथ आ रही है, ये गर्म वायु राशि को धक्का लगाएगी, ठंडी वायु राशि गर्म वायु को धक्का लगाएगी और ये वायु राशि ऊपर उठ जाएगी, यानी ऊपर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वार्म एयर होगी और नीचे कैसी होगी, कूल एयर होगी। घाटी में क्या होगा, घाटी का तापमान जो है वो गिरावट आएगी, घाटी के तापमान में गिरावट आएगी। जबकि जो पर्वतीय ढाल है उनका तापमान कैसा रहेगा, अपेक्षाकृत गर्म रहेंगे।
क्यों गर्म रहेंगे? क्योंकि एक तो वायु राशि ऊपर उठी है तो गर्म वायु राशि ऊपर है, दूसरी जितनी भी ठंडी वायु है वो यहाँ आके कलेक्ट हो गई है, ढाल पे तो रुकी नहीं रही है, सारी कलेक्ट कहाँ हो गई है? नीचे। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिनोमेना हमने जो पहले भी पढ़ा है, तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन की दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या होगा? तापीय प्रतिलोमन, तापीय व्युत्क्रमण उत्पन्न हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। और इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब यह है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जब सामान्य ताप पतन की दर से जब हम स्थल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में हर एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, यानी नीचे जो है धरातल के साथ तापमान कब क्या होगा? अधिक होता है, और ऊंचाई में जाने पर तापमान कम होता जाता है। मगर यहाँ कंडीशन क्या आ रही है? यहाँ पर नीचे क्या है? ठंडा है, और ऊपर जाने पर तापमान अधिक हो रहा है यानी गर्म है। तो तापमान का व्युत्क्रमण हो गया है, प्रतिलोमन हो गया है, कंडीशन रिवर्स हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन होता है, और तापीय प्रतिलोमन की वजह से यहाँ पर पाला पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉस्ट होता है। ठीक है, पाला पड़ता है, और पाला पड़ने की वजह से क्या होगा कि घाटी में क्या होगा, जो भी बागान होंगे, अगर यहाँ पर कुछ बागान है जैसे सेब वगैरह के बागान होते हैं, तो बागानों को फसलों को नुकसान होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई खेती हो रही है, कृषि फसलें उग रही हैं, तो उनको नुकसान होता है। अगर यहाँ पर मानव रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा शीत लहर ठंडी वायु राशि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से उनके फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की दशा की वजह से जो घाटी समीर जो है, जो घाटी समीर जो आ रही है, घाटी समीर तो सही है, और जो पर्वतीय समीर है, ये पर्वतीय समीर घाटी क्षेत्रों का तापमान में बहुत अधिक गिरावट उत्पन्न कर देती है। अब इस वजह से यहाँ पर तट पर मानव जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, और इनका होता है रात्रि के समय में, और जब रात्रि का समय बहुत लंबी रात होती है, शांत वायु राशि होती है, तब ये ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर पाला पड़ता है, तुषार फ्रॉस्ट उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये स्थिति हमने देखी वैली ब्रिज में और माउंटेन ब्रिज में। ठीक है, अब ये जो वैली ब्रिज जो थी, इसमें जो वायु राशि ऊपर उठ रही थी, इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है। जो वैली है हमारी, वैली ब्रिज जो है, वैली ब्रिज को दोस्तों एनाबैटिक भी बोला जाता है। एनाबैटिक, एनाबैटिक ब्रिज भी बोला जाता है। एनाबैटिक क्यों बोलते हैं? एनाबैटिक का मतलब होती है अपस्लोप। एनाबैटिक का मतलब अपस्लोप, जो स्लोप के साथ ऊपर जा रही है, स्लोप के साथ ऊपर जा रही है, इसको एनाबैटिक बोलते हैं। जबकि जो हमारी माउंटेन ब्रिज है, ये माउंटेन ब्रिज स्लोप के साथ नीचे आ रही है, इसे इनको कैटाबैटिक बोलते हैं। कैटाबैटिक ब्रिज बोलते हैं, यानी डाउन स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो एनाबैटिक कौन सी है? घाटी समीर। कैटाबैटिक कौन सी है? पर्वतीय समीर। क्योंकि पर्वतीय समीर जो है वो डाउन स्लोप है, नीचे की तरफ आ रही है। तो एनाबैटिक और कैटाबैटिक फॉर्म में होती है घाटी समीर और पर्वतीय समीर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने पीरियोडिकल विंड्स यानी सामयिक पवनों को पढ़ा, और ये पीरियोडिकल विंड्स हमारे तटीय क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, पर्वतीय क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना। आपको याद इतना रखना है कि कब चलती है, दिन में कौन सी चलती है, रात्रि में कौन सी चलती है, और इनका प्रभाव क्या होता है, क्योंकि इनका प्रभाव आगे भी यूज में आएगा। और साथ में इसमें आपको याद रखना है कि इनके जो दिन और रात्रि के समय जो चल रही है, इनकी दिशाएं क्या होती है। जैसे सागरीय समीर सागर से स्थल की ओर चलेगी, और स्थलीय समीर स्थल से सागर की ओर चलेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। घाटी समीर कह रहे हैं तो घाटी से जा रही है, पर्वतीय समीर कह रहे हैं तो पर्वत से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।